धन्यवाद महोदय। श्री भर्तृहर मेहताब जी ने ये जो बिल लाए हैं वरिष्ठ नागरिक जरा रोग और डिमेंशिया की देखरेख कर, क्योंकि ये जिस मंत्रालय को मैं देखता हूँ उस मंत्रालय से संबंधित है, तो मैं इसके लिए कुछ बातें ध्यान में भी लाना चाहूँगा कि जिन बातों का इन्होंने जिक्र किया, मेहताब जी ने एक अच्छी शुरुआत की है कि बुजुर्गों की चिंता हम सब की चिंता है और उसके लिए सरकार भी उन्हीं की चिंता में अपने आप को शामिल भी करती है और साथ में जो उनकी चिंता है उसी के ऊपर ध्यान देते हुए कार्य भी कर रही है। और इन्होंने जो बात अपने बिल में कही है कि बुजुर्गों के लिए एक देखभाल होनी चाहिए, अस्पतालों में सुविधा होनी चाहिए, इनके 3 नंबर पैरा पे और प्रत्येक अस्पताल में उनकी सुविधाओं के अनुसार उनको चलाया जाना चाहिए, उपचार के लिए बिस्तरों का अलग से प्रबंध होना चाहिए और उनको वरिष्ठ नागरिकों के लिए डे केयर सेंटर होना चाहिए। और मैं इसमें यह कहना चाहता हूँ कि ऐसी पहले से ही एक जो बिल हमारे पास माता पिता व वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 में ऐसा सारा इन सब उपबंधों का जिक्र किया है जिसमें जहाँ हॉस्पिटल्स की जिम्मेवारी तय की गई है जो सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं या सरकार से सहायता प्राप्त हॉस्पिटल हैं, ऐसे सभी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं, ऐसा सारा प्रबंध इसमें ऑलरेडी है। और बकायदा तौर पर बच्चों के लिए भी, उनके लिए जिन्होंने उनके वारिश बनना है, उनकी प्रॉपर्टी संभालनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स की गई है कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे उनकी सेवा करने के लिए और अगर वो नहीं करते तो उनके लिए दंड के प्रावधान भी इस बिल में रखे गए। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब वरिष्ठ नागरिक हैं और वरिष्ठ नागरिक की समस्या, माता पिता की समस्या, उसी में बाकी समस्या को भी जोड़ के हम देख सकते हैं, चाहे वो जरा रोग है, चाहे डिमेंशिया है, चाहे अल्जेरिया, कोई भी किसी भी बीमारी को उसी के साथ जब सुविधाएँ हम बुजुर्गों को देते हैं वैसी ही सुविधाएं हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए उसके बीच में समावेश करके देखते हैं। सो उनके लिए कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, एसडीएम लेवल पर बुजुर्ग वृद्धजन जहां चाहे जैसा उनकी सुविधा के अनुसार एसडीएम लेवल पर तक भी उनको कानूनी सहायता चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पे आगे वारिस बनना है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको संभाल करें। और जहाँ पर हॉस्पिटल्स के लिए जितने सभी के लिए और सरकार ने विशेष तौर पर इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि वृद्ध आश्रम बनाएं और सरकार ने पहले ही ऐसा एक प्रावधान इस बिल में किया हुआ है और ये जो अधिनियम में है कि ऐसे सभी जगह पे जहाँ राज्य सरकारों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है कि राज्य सरकार ऐसी पहुँच के भीतर के स्थानों पर चरणबद्ध रीति में उतने वृद्ध आश्रम स्थापित करेगी और उनका अनुसरण करेगी जितने वह आवश्यक समझे और आरंभ में प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसे वृद्ध आश्रम की स्थापना करेगी जिसमें न्यूनतम 150 ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आवास सुविधा दी जा सके। सो ऐसी वृद्धजनों के लिए उनके आवास की उनकी चिंता के लिए पहले ही अधिनियम जो इसमें जोड़ा जा चुका है और उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, इंटीग्रेशन प्रोग्राम में भी फॉर ओल्ड जो एज में 1992 से जो क्रियान्वित है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य आश्रय, वृद्धजनों के लिए आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन, अवसर जैसी मूल सुविधाएं के प्रदान करने के लिए सकारात्मक तथा वृद्ध अवस्था में प्रोत्साहन देकर व्यक्तियों को गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, ऐसा एक प्रावधान भी पहले से है।
और इस योजना के तहत चाहे वो राज्य सरकार है, गैर सरकारी संगठन है, पंचायती राज संस्थानों का, चाहे स्थानीय निकाय के लिए, उनको सरकार 90% अनुदान देकर भी, उनकी सहायता, वित्तीय सहायता देकर भी उनके उनको उपलब्ध कराती है, ताकि वो जो वृद्ध जनों की जो सेवा कर सकें। इसमें वृद्ध आश्रम भी है, डे केयर सेंटर भी हैं, मोबाइल मेडिकल वैन भी हैं, राहत और देखभाल आश्रम और निरंतर चलने वाले देखभाल वाले आश्रम भी हैं, फिजियोथेरेपी क्लिनिक हैं, हेल्पलाइन और इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं, और ऐसी सारी सुविधाएं जिसके लिए सरकार अनुदान भी हम जो हमारे मंत्रालय सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की तरफ से देती है। तो सो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि जो मेहताब जी की चिंता है, उस चिंता में ऑलरेडी ही सरकार अपना योगदान दे रही है, और मैं समझता हूं कि उनकी चिंता जरूर ठीक है, मगर सरकार क्योंकि वैसा ही कर रही है, और इसके लिए कोई अलग से कोई और नया कोई बिल लाया जाए ऐसी मैं जरूरत नहीं समझता। बहुत बहुत धन्यवाद।